हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों काफी सारे कमेंट आए आप लोगों के कि कोई ऐसा प्रिंटर के बारे में बताइए जो हम अपने फोटो स्टूडियो में यूज कर सकें या फिर फोटो के लिए जो बेहतर होगा। तो प्रिंटर के बारे में मैंने काफी वीडियो बना रखा है, लेकिन मैंने स्पेशली फोटो के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ फोटो के लिए यानी फोटो स्टूडियो के लिए कुछ चुनिंदा प्रिंटर्स के बारे में, जिन पर मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। एक्चुअली पिछले वीडियोस में लोगों ने काफ़ी कहा था, जो कि मैंने एप्सन के बारे में कुछ एचपी के बारे में बताया था, तो लोगों का ये मानना था कि आप ब्रदर वगैरह के बारे में नहीं बताते, आप कैनन वगैरह के बारे में नहीं बताते। तो एक्चुअली कंपनियों से मेरा कोई लेना देना नहीं होता है, मैं एक्चुअली आप लोगों के साथ जो है मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो जिन प्रिंटर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस बेहतर है, मैं उन्हीं प्रिंटर्स को लेकर के आया हूँ जिन पर हमने काम किया हुआ है या फिर जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं ये प्रिंटर्स लेकर के आया हुआ हूँ। तो हो सकता है किसी और का एक्सपीरियंस किसी और कंपनी के साथ हो, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, जो मार्केट का डिमांड के हिसाब से, वो प्रिंटर्स मैं लेकर के आज आप लोगों के बीच में आया हुआ हूँ और उसी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और ये वीडियो कोई भी पेड रिव्यू वगैरह नहीं है, ये सिर्फ जो है आप लोगों के लिए जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो बेहतर एक्सपीरियंस है, उसी को मैं शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में मास्टर बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, जिससे क्या होगा कि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं आगे, देखते हैं कौन कौन से प्रिंटर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिनी प्रिंटर्स के बारे में। अगर आप ऐसा कोई वर्क करते हैं जो घूम करके इधर उधर जा करके अगर आप फोटोशूट करते हैं और वहीं पे आप प्रिंट आउट, जैसे आप लोग देखते हैं टूरिस्ट पैलेस वगैरह पर या फिर कहीं मंदिर वगैरह में आप जाते हैं, तो वहाँ पर लोग कैमरा लेकर के और प्रिंटर लेकर के बैठे रहते हैं, आराम से फोटो खींचते हैं और तुरंत का तुरंत जो है वो जो प्रिंट आउट निकाल करके देते हैं। तो इस टाइप का अगर आपका काम है तो आप जो है मिनी प्रिंटर ले सकते हैं, जो आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा। तो सबसे पहले हम मिनी प्रिंटर के ही बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे स्टूडियो के बारे में। तो अगर आपके पास, जरूरी नहीं कि आप घूम करके ही आप फोटोशूट करते हैं, अगर आप सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंट करते हैं, बड़े फोटो का आपका काम नहीं है, तो भी आपके लिए प्रिंटर बेहतर साबित हो सकता है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले हमने प्रिंटर देखा हुआ है वो है कैनन का सेल्फी सीपी 1200 यानी 1200। ये वायरलेस फोटो प्रिंटर है जो प्राइस में काफ़ी सस्ता है, जैसे 8650 रुपये इसका प्राइस आज के रेट में अमेजोन पे चल रहा है। और ये जो है इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छा है, तो छोटे प्रिंटर्स में थोड़ा कम स्पीड है ये मानना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये स्पीड सही है। 47 सेकेंड में जो है ये एक फोटो प्रिंट करता है। जो इसके अंदर जो पेपर का साइज होता है वो 4x6 का साइज होता है, लास्ट उससे बड़ा पेपर ये नहीं लेता है। और इसका जो प्रिंट रेजोल्यूशन होता है 300x300 dpi, यानी कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी इसको हम नहीं मानेंगे, लेकिन प्राइस के हिसाब से ये ठीक प्रिंटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी कनेक्टिविटी जो है USB से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, एंड स्मार्टफोन वगैरह से अगर आप वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो प्राइस के हिसाब से अगर ये देखा जाए तो ये काफ़ी बेहतर प्रिंटर साबित होता है। अगर आपका घूम करके कहीं पर भी फोटोशूट करने का काम है और तुरंत प्रिंट आउट निकालने का काम है तो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। या फिर अगर आप शॉप पे पासपोर्ट साइज ही फोटो अगर आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो आपके लिए भी ये बेहतर हो सकता है। इसके आगे हम चलते हैं, तो वो है एप्सन का एप्सन पिक्चर मैट PM245 फोटो प्रिंटर, जो एक काफ़ी फेमस प्रिंटर है, आपको हर जगह देखने को मिल सकता है। तो ये एक्चुअली क्या है, अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है। एक्चुअली अक्सर जो है ये आउट ऑफ स्टॉक मार्केट में होता है, तो ये कभी तो मिल जाता है आपको 12,000, 12,500, 13,000, 14,000, कभी 15,000। तो कभी अगर आज हम बात करें अमेजोन पर, अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो ये आपको करीब 24-25,000 रुपये प्राइस दिखा रहा है। तो हमेशा ये आउट ऑफ स्टॉक रहता है, जिसके वजह से इसका प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। लेकिन अगर आपको इससे परचेस करना है तो आप अपने यहाँ का जो लोकल मार्केट है यानी कि ऑफलाइन मार्केट को भी ट्राई करें, ऑनलाइन मार्केट को ट्राई करें। अगर किसी के पास पुराना स्टॉक हुआ तो आपको बहुत ही चीप प्राइस में मिल सकता है। इसे परचेस करने के लिए आपको थोड़ा सा मार्केट का रिसर्च करना होगा, ऑनलाइन रिसर्च करना होगा, जहाँ पर आपको सही प्राइस मिलता है आपको वहाँ से परचेस करना होगा। लेकिन मैंने यहाँ पर 15,000 प्राइस इसलिए लिया हुआ है कि नियर अबाउट इसी के आसपास आपको परचेस करना चाहिए। अगर से बहुत ही ज्यादा ऊपर है तो भी आपको ये परचेज नहीं करना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो क्या परचेज करना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और इससे अगर नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसकी प्रिंटिंग स्पीड जो आती है 37 सेकंड में एक फोटो प्रिंट करता है 4x6 का, जो इसके अंदर जो साइज होता है 4x6 का ही साइज पेपर ये लेता है।
और जो प्रिंट रेजुलेशन है वो है 5760 dpi, 5760 dpi, और कनेक्टिविटी जो है इसका वो USB डायरेक्ट है, और मेमोरी कार्ड वगैरह इसके अंदर इनबिल्ट है, यानी कि आप कोई भी कैमरे से फोटो शूट करते हैं तो आप उसकी मेमोरी निकाल करके डायरेक्ट इसके अंदर लगा देंगे, और उसके बाद 2.5 inch का इसका स्क्रीन होता है जिसके अंदर आप इमेज को सेलेक्ट करके कौन सा प्रिंट करना है आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इजिली प्रिंट कर पाते हैं। तो इस तरीके से इसका यूज़ है जो काफ़ी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन प्राइस का जो है इसके अंदर कोई भी कंफर्मेशन नहीं होता है, हमेशा बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन चलता रहता है। तो जब भी आपको ये परचेस करना है तो थोड़ा सा मार्केट का रिसर्च करें, ऑनलाइन रिसर्च करें, उसके बाद जो है आप इसको परचेस करें। वैसे मैंने लिंक डाल रखा है, जब भी वो अप डाउन होता है तो अपडेट ही प्राइस आपको उस लिंक से मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं, और उसका डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल्स देखना चाहते हैं तो भी आप उस लिंक पर जाकर के देख सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सारे के सारे प्रिंटर्स का लिंक आपको मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं इससे अगला जो मॉडल है, अगर ये मॉडल 15,000 से ऊपर हुआ तो आप इस मॉडल को ना लें, उसके बाद आप लें एप्सन पिक्चर मैट PM520 फोटो प्रिंटर। ये एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा मार्केट में आपको देखने को कम मिलेगा, क्योंकि PM245 बहुत ही ज्यादा मार्केट में बिका हुआ है। तो जहां देखेंगे PM245 तो अगले देखने वाले लोग यही मानते हैं कि PM245 बेस्ट है, इसीलिए ज्यादातर बिका हुआ है, लोगों के पास ज्यादा है। बट ऐसा नहीं है, उससे काफी बेहतर आपको फैसिलिटीज इस प्रिंटर के अंदर मिल जाता है, और ये आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता क्योंकि इसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते हैं इसीलिए। तो अगर वो 15,000 से ऊपर है तो आपको प्रिंटर नहीं लेना चाहिए, उससे बेहतर होगा कि आप ये प्रिंटर ये PM520 परचेस करें। इसके अंदर फैसिलिटीज आपको क्या मिलती है, तो अगर प्रिंटिंग स्पीड हम इसकी देखें तो ये 36 सेकेंड, 1 सेकेंड कम हुआ है, तो प्रिंटिंग स्पीड का कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है इसके अंदर, कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट क्या है, वो पेपर साइज का है, क्योंकि अगर इससे अगर आप फुल फोटो भी खींचते हैं तो 5x7 का ज़्यादातर फोटो लोग जो है मार्केट के अंदर जो है खींचवाते हैं, ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं जो एक नॉर्मल इमेज साइज होता है। तो अगर आप फुल फोटो भी आप खींचते हैं, ज़्यादा बड़े फोटो नहीं देते हैं, तो 4x6 एंड 5x7 तक का ये दोनों ही पेपर इसके अंदर लग जाता है। तो आप इस प्रिंटर को लेकर के फुल भी फोटो खींच सकते हैं, नॉर्मल मार्केट के अंदर 5x7 ही ज़्यादातर चलता है, तो फुल फोटो के लिए भी आप इसको ले सकते हैं, और दोनों पेपर इसके अंदर लग भी जाता है। और दूसरा जो बेनिफिट है, डायरेक्ट वाईफाई कनेक्टिविटी इसके अंदर होता है, जो आप PM245 में देखेंगे तो मेमोरी निकाल करके लगाना होगा, या फिर मोबाइल से अगर आपको प्रिंट आउट करना है तो आपको उसकी मेमोरी निकाल करके लगाना होगा, और इसके अंदर जो है आप डायरेक्ट वाईफाई से यानी अपने स्मार्टफोन से भी डायरेक्ट प्रिंट आउट दे सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट इसके अंदर मिल जाते हैं। तो अगर वो 15,000 से ऊपर हुआ तो ये 20,000 के आसपास मिलता है, यानी 19,000 और 20,000 के बीच में इसका रेट हमेशा रहता है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर PM245 15,000 से ऊपर है तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसके जगह पर PM520 परचेस कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं बड़े प्रिंटर्स की, जो फुल साइज के लिए आते हैं। तो उसके अंदर आज के रेट में जो सबसे बेस्ट प्रिंटर मिल रहा है आपको, एप्सन का L805 मिल रहा है। ये कलर इंकजेट प्रिंटर है, इसके अंदर बेनिफिट्स है कि एक वाईफाई कनेक्टिविटी भी है इसके अंदर, जो आप अपने स्मार्टफोन से वाईफाई के माध्यम से डायरेक्ट आप प्रिंट कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों के पास L800 भी है, तो L800 और 805 में सिर्फ वाईफाई कनेक्टिविटी का फ़र्क है, बाकी बिल्कुल सब कुछ लगभग सेम है। इस उसके अंदर भी पेपर जो है यही सारे मिलेंगे, साइजेस वगैरह वही मिलेगा, और प्रिंटिंग स्पीड भी आपको वही मिलने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रिंटिंग स्पीड की, तो 12 सेकेंड के अंदर जो है ये प्रिंट कर देता है 4x6 का फोटो। तो ये अगर PM245 या फिर PM520 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप मल्टीपर्पज़ कोई भी साइज़ अगर आप निकालना चाहते हैं, किसी भी साइज़ का अगर आप फोटो प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस प्रिंटर को ले सकते हैं। थोड़ा बड़ा प्रिंटर होता है, इसके अंदर A4, A5, A6, B5, C6 एंड DL हर साइज़ का, ये सारे के सारे साइज के पेपर इसके अंदर लग जाते हैं और स्पीड आपको बेहतर मिल पाती है। तो बहुत ही फास्ट, आपके पास बहुत ही ज़्यादा काम है तो आप इस प्रिंटर को ले सकते हैं, और मल्टीपल यूज़ है तो बहुत ही बेहतर जो है, ये आपको कलर प्रिंटिंग भी देता है, DPI आपका वही 5660 dpi है, वाईफाई से कनेक्टिविटी भी है, सारी की सारी आपको फैसिलिटीज इसके अंदर मिल जाती है। इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये होता है कि रिफिलिंग बहुत ही बेहतर होता है, इसका प्रिंटिंग कॉस्ट जो है PM245 या 520 के अकॉर्डिंग काफ़ी कम होता है। रीज़न इसका यह है, ये 6 कलर प्रिंटर्स है, आप इजीली जो है उसको रिफिलिंग कर पाते हैं और अपने प्रिंटआउट को निकाल पाते हैं, तो काफी सस्ती प्रिंटआउट पड़ती है। तो बहुत ही ज्यादा काम है आपके पास, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट प्रिंटर है। और इसके बाद हम बात करते हैं इससे अगली क्वालिटी जो है वो है
एप्सन एल 1800 इंकजेट प्रिंटर, ये थोड़ा सा हैवी क्वालिटी है और ये इसको हम लैब प्रिंटर के नाम से भी जाना करते हैं। अगर आप दुकान पर जाकर के बोलते हैं कि हमें एप्सन का लैब प्रिंटर चाहिए तो आपको यही प्रिंटर देगा। इससे और भी आगे के प्रिंटर से जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम नॉर्मल स्टूडियो के बारे में बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में, हम कोई और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम और भी महंगे से महंगे प्रिंटर के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा वर्क है और फुल साइज के प्रिंट आउट वगैरह भी निकालना चाहते हैं तो आप जो है इस प्रिंटर को ले सकते हैं। इसके अंदर एक्चुअली क्या है कि L805 या L800 और L1800, इसके अंदर सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि यह जो होता है बॉर्डरलेस प्रिंटर है। कहने का मतलब यह है कि स्टार्ट से लेकर के एंड तक कोई बॉर्डर नहीं छोड़ेगा, यह कंप्लीटली पूरा का पूरा पेपर जो है यह प्रिंट कर देता है, किसी भी साइड से यह छोड़ता नहीं है। तो अगर प्रिंटिंग स्पीड देखी जाए तो यह 15 ppm है इसका स्पीड और पेपर साइज ये A3 A3 प्लस A4 A5 A6, यानी कि ये काफ़ी बड़े बड़े पेपर भी ले लेता है। ये बिल्कुल जितने भी बड़े लैब मशीन पेपर जो प्रिंट करती है तो वो सारे के सारे पेपर आप जो है इसके अंदर लगा करके प्रिंट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतर क्वालिटी देता है, बिल्कुल लैब की तरह क्वालिटी देगा आपको और इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट भी कम है क्योंकि ये भी टैंक प्रिंटर है। बिल्कुल भी आप इजीली इसको रिफिलिंग कर सकते हैं और बिल्कुल इजीली जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं और स्पीड भी इसकी बहुत ही फास्ट है। तो अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा फोटो का काम है और हर साइज़ के फोटो प्रिंटिंग आपके पास आते हैं तो आपको लैब में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड करते हैं 32,900 रुपये आज के रेट में इसका प्राइस Amazon पे आ रहा है, तो इसके प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है क्योंकि हमेशा इन स्टॉक रहता है, बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड नहीं हो पाती है। रीज़न उसका ये होता है कि छोटे स्टूडियो वाले इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप अफोर्ड करते हैं, अपने स्टूडियो की क्वालिटी बेहतर बनाए रखना चाहते हैं और हर क्वालिटी आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो आप इस प्रिंटर को परचेस कर लें एक बार, तो आपकी क्वालिटी जो है बहुत ही बेस्ट मिलेगी और आपको कभी भी लैब पर भेजने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी ऊपर का प्रिंटर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगला प्रिंटर जो बहुत ही ज्यादा मार्केट में बिका हुआ है, कैनन पिक्समा प्रो 100। ये लैब प्रिंटर के नाम से ये भी जाना जाता है, ये थोड़ा बड़ा प्रिंटर होता है और ये भी A3 A3 प्लस A4 A5, ये सारे के सारे पेज जो है पेपर ये एक्सेप्ट करता है, यानी कि सारे के सारे पेज जो है ये निकाल सकता है। क्योंकि इसका भी डिमांड बहुत ही ज्यादा रहता है, जितने भी बड़े स्टूडियोज वगैरह हैं वो सभी लोग इसको यूज करते हैं, तो इसका भी प्राइस जो है हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, 40,000 से लेकर के 70,000-75,000 के बीच में हमेशा ये फ्लक्चुएट करता रहता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपका बजट है तो कभी भी इस प्रिंटर को जब ही लीजिए जब ये इसका प्राइस 50,000 के आसपास हो, तो अगर आप इसको परचेस करते हैं तो आप फायदे में रहेंगे। तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, अगर 50,000 के आसपास है तो ये बहुत ही बेहतर प्रिंटर है, ये भी रिफिल हो जाता है, बिल्कुल इजीली रिफिल हो जाता है और बिल्कुल लैब क्वालिटी आपको देता है, सारे के सारे पेपर जो है इसके अंदर लग जाते हैं। क्वालिटी आप यहां पर देख सकते हैं 4800x2400 DPI है और ये जो है डायरेक्ट USB से तो कनेक्ट होता ही है, साथ में जो है LAN एंड Wi-Fi कनेक्टिविटी इसके अंदर भी है, यानी कि नेटवर्क प्रिंटर भी हम इसको बोल सकते हैं। कई लोग मिलकर के अलग अलग जगह से अगर प्रिंट आउट देना चाहते हैं तो भी इसके अंदर कनेक्टिविटी होती है, यानी कि वो जो फैसिलिटीज होती है वो लाइन प्रिंटर के अंदर आती है, जो इसके अंदर फैसिलिटी है। तो ये सारे प्रिंटर्स है तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा क्वालिटी बेहतर रखना चाहते हैं और अगर आप अपने स्टूडियो पर सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटो या फिर फुल में 4x6 ही निकालना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट होगा PM245। अगर 15,000 के आसपास है तो उससे अगर ऊपर जा रहा है तो PM245 को छोड़ दीजिए, आप लीजिए PM520, वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा क्योंकि आपके लिए एक और बेनिफिट मिल जाता है कि 5x7 आप फुल फोटो भी कस्टमर को दे सकते हैं। तो ये फोटो हो गया, उसके बाद अगर आप अफोर्ड करते हैं तो डायरेक्ट L805 परचेस कीजिए जो बहुत ही बेस्ट प्रिंटर है मार्केट में। आपको जितने भी फोटो स्टूडियो एक बेहतर वर्क करते हैं आपको 90% आपको मिल जाएगा एप्सन का L800 या L805। L805 और L800 के प्राइस में ज़्यादा का डिफरेंसेस नहीं है, तो वहाँ पर पहुँचने का मतलब यह है कि सीधा L805 लीजिए। तो ये आप ले सकते हैं, बाकी ये जितने भी प्रिंटर मैंने बताया है बिल्कुल चुनिंदा प्रिंटर से, इसके अंदर कोई भी आप परचेस कर सकते हैं। तो वैसे अगर आप बात करें ऑल इन वन प्रिंटर्स की तो आप एप्सन का कोई भी ऑल इन वन प्रिंटर हो गया या फिर HP का ऑल इन वन प्रिंटर हो गया, कैनन का ऑल इन वन प्रिंटर हो गया, लोग उससे भी फोटो निकालते हैं और आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां तक की बात आई थी कि सिर्फ फोटो के लिए, तो ये जितने भी प्रिंटर मैं बताया हूं बिल्कुल स्पेशली फोटो के लिए हैं, हाई रेजोल्यूशन प्रिंटर हैं और फोटो की स्पीड को बढ़ाए रखने के लिए और ज्यादा स्पीड में
आपको प्रोसेस करने के लिए, आपके काम को प्रोसेस में लाने के लिए ये सारे प्रिंटर्स बने हुए हैं कि स्पेशली फोटो स्टूडियो के लिए। तो इनमें से आपको जो सही लगे आप वो प्रिंटर परचेस कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा कि आप ध्यान दें हमेशा, आप अपने ऑफलाइन मार्केट को भी ध्यान दें और ऑनलाइन को भी ध्यान दें। अगर ऑफलाइन मार्केट से सस्ता है तो आप ऑनलाइन परचेस कर लें, क्योंकि ऑनलाइन जो है हमेशा वैरी करता रहता है, स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि ऑफलाइन मार्केट में प्राइस अगर ज़्यादा है, ऑनलाइन सस्ता है, तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया हूं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं जवाब दूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि एक शेयर हो सकता है कि काफी आप लोगों के दोस्तों का भी कंफ्यूजन दूर कर दे। क्योंकि काफी लोग परेशान रहते हैं जब भी प्रिंटर परचेस करने जाते हैं या जब भी कुछ भी परचेस करने जाते हैं, या फिर फोटोशॉप, कोरल ड्रा वगैरह का कोई भी कन्फ्यूजन्स होता है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन्स में वो लोग रहते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो सके, सभी लोग कंप्यूटर के बारे में बेहतर तरीके से जान सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।